आज हमारे पास आई हुई है एक कौन सी कंपनी की भाई, कैन स्टार की प्रेस, ठीक है, देख लो आप भी पढ़ लो। तो हमारे अंकल जी को ये प्रेस रिपेयर करना सिखाना है और एक ही प्रेस के अंदर मेरे को इनको इतना सब कुछ सिखा देना है कि इनके पास अगर 10 मॉडल की प्रेस आ जाए इस तरह की, तो उनको ये आराम से चेक कर सकें, उसके अंदर क्या फॉल्ट है उसको ठीक कर सकें, सारी जानकारी इनके अंदर इनको हम देने वाले हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं और बताते हैं। ये जो रेगुलेटर होता है ये, ठीक है, ये सब कुछ लगाया जाता है उनके अंदर सब में, ठीक है। अब इनको हमें चेक करना है क्या खराब है भाई साहब, इसमें लाइट नहीं आ रही है, इसमें लाइट नहीं आ रही है और गर्म हो रहा है। नहीं, गर्म नहीं हो रहा है मतलब ये बोलो ना कि लाइट भी नहीं आ रही है और गर्म भी नहीं हो रहा है, तो लाइट नहीं तो गर्म ना होगी। हाँ बस ठीक है। जब किसी प्रेस के अंदर लाइट जल रही है और प्रेस गर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका एलिमेंट खराब है। सीधे सीधे इसके अंदर जो गर्म करने की जो एक होता है एलिमेंट, वही खराब है। इसका सीधा सा अर्थ होता है अगर लाइट जल रही है और ये गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि तार वार सब कुछ ठीक है, इसका रेगुलेटर सब ठीक है, इसका एलिमेंट ठीक है, केवल ये बल्ब खराब है इसका, इसलिए ये लाइट नहीं दिखा रहा है। और जब बिल्कुल भी ना ही तो लाइट जल रही है ना ही तो ये गर्म हो रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके पास प्रेस आता है तो आपको शुरुआत से लेकर के इसको चेक करना होता है। जैसे कि इसको अब हम चेक करेंगे और जब भी आप प्रेस चेक करते हैं तो सबसे पहले जो इसके अंदर रेगुलेटर लगा हुआ है उसको बढ़ा लीजिए इस तरह से, जैसे यहाँ इधर करते हैं तो कम होता है और इधर करते हैं ऐसे ऐसे कर देते हैं तो ये फुल हो जाता है, तो उसको फुल पे कर देना है। उसके बाद आपको प्रेस को चेक करना है। प्रेस हमेशा आपके पास आता है तो कभी भी डायरेक्ट बोर्ड के अंदर नहीं लगाना है 240 वोल्ट में। इसको जब डायरेक्ट लगाएंगे कई बार क्या होता है कि एलिमेंट खराब होकर के शॉर्ट हो जाता है या तार वगैरह अंदर से शॉर्ट हो जाती है, कट पिट जाती है, या कस्टमर कई बार अपने आप मिस्त्रीपन कर लेते हैं उसके अंदर, तार वार शॉर्ट करके लगा देंगे और तुम लगाओगे जैसे ही बोर्ड के अंदर वैसे भड़ाक बोल जाएगा। अब सबसे पहले हम आपको जैसे कि प्रेस पूरी तरह से बंद है, एक तरह से डेड है, तो इसको हम चेक करेंगे। ये पोर्टेबल सीरीज लैंप है, बहुत बढ़िया, और इसको ऐसे लगाते हैं तो डायरेक्ट जलता है और इसमें लगाएंगे तो जिसका ना ही तो ये लाइट जल रही है और ना ही तो ये गर्म हो रहा है, ठीक है। अगर गर्म होगा तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट सही होगा तो ये जब यहाँ पे तार लगाओगे ना तो ये बल्ब जलेगा आपका, थोड़ी सी जैसे फुल जल रहा है अभी तो ये थोड़ा सा कम मात्रा में जलेगा लेकिन जलेगा। जब कुछ भी नहीं इसके अंदर, ना तो लाइट जल रही है ना ही तो गर्म हो रहा है ना ही तो इसके अंदर कुछ बता रहा है, तो हो सकता है कि ये मेन लीड ही खराब हो सकती है। तो इतना सब कुछ चेक करने के बाद में आपको अब इसके जो प्रेस है आपका, ये तो प्रेस की ये जो पीछे वाला पेंच लगा हुआ है यहाँ से खोल करके आपको पहले ये मेन लीड को चेक करना है कि कहीं ये मेन लीड खराब तो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे खोल लेना है इसको। इसमें लगा हुआ है थिम्बल, ठीक है। अब ये थिम्बल, किसी में थिम्बल लगा होता है, किसी के अंदर पेंच टाइट किया जाता है इस जगह पे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये ऊपर से जो तार आई हुई है और नीचे का जो पॉइंट के मतलब तार आई है नीचे से, उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए कोई भी उपाय आप अपना सकते हो। अगर थिम्बल आपके पास नहीं है तो निकाल के इसके अंदर आप दूसरी तार जोड़ करके इसमें टेप भी लगा सकते हो। तो इसको अभी चेक करना है आपको, तो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इस थिम्बल को आपको निकालना होगा, जैसे कि आपने पिछली मोटर के अंदर निकाला था, ठीक है, वैसे ही आपको ऐसे दबा करके, जैसे एक तरह से चिपटा है ना तो चिपटे वाले हिस्से से नहीं निकलेगा, जैसे दूसरे वाले हिस्से से यहाँ पे ऐसे दबाओगे तो निकल जाएगा। तीन तार निकल गया है, जिसके अंदर से किसी भी प्रेस के अंदर होता है, कोई भी प्रेस होती है उसके अंदर तीन तार ही होते हैं, एक ग्रीन होगा ही होगा, पीला होगा और उसके ऊपर हल्का सा ग्रीन का लाइन होगा या तो पूरी तरह से ग्रीन होगा तार, इस तरह से ये तैयार किया जाता है, ठीक है। तो कनेक्शन समझना है आपको, ये आपका अर्थ का तार है, इसके अंदर करंट नहीं आता है, ये मोटर प्रेस के अंदर अगर करंट आए तो उसको खत्म करने के लिए होता है ये तार। इसके अलावा जो दो तारें होती हैं ये किसी भी कलर की हो सकती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो जो ऊपर से तार आई है इसके अंदर आपकी लाल और काली तार है और नीचे से आई है वो लाल और नीली है, ठीक है। तो ये तार कहीं पे भी आप प्रेस के अंदर लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आपको लाल वाला इधर लगाना है काले वाला इधर लगाना है, न्यूट्रल फेस से चलना है न्यूट्रल फेस आप लगा दीजिए। इसके अंदर अब क्या करना है, आपको इस तार को चेक करना है सबसे पहले कि ये तार आपका सही है कि नहीं, जैसे बाहर से आया हुआ है, क्योंकि ये इसके ऊपर जो ये कोटिंग की जाती है ये कपड़े की, तो इसके बीच में टूटा है कि फूटा है क्या है जला हुआ है कुछ नहीं पता चलता है ऐसे में, ठीक है, जब तक ये पूरी तरह से ब्लास्ट ना कर जाए। जला हुआ तो कहीं दिख नहीं रहा इस तार में, पूरी तार में आप देखेंगे कहीं पे भी काला पीला नहीं नजर आ रहा है। तो आपको इसको सीरीज लगा करके इसको चेक करना है। सीरीज का कैसे लगाना है, एक तार आपको इस पे लगाना है और बारी बारी से इन दोनों तारों पे लगाना है, इस पे नहीं लगाना है आपको,
ये इसका होता है, इसका पॉइंट होता है, ये जो ऊपर वाला है ना ये अर्थ का पॉइंट होता है, ये हले वाले हरे वाले दार का, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको लगा के चेक करना है बारी बारी से, ऐसे देखिए तार को चेक करेंगे हम, पहले एक एक पॉइंट पे लगाएंगे, उसके बाद इस पे लगाएंगे या इस पे लगाएंगे। तो देखो लाल वाली तार जो है कि वो ठीक है, यानी कि इस वाले का पॉइंट ये वाले तार का ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इसका आप चेक करेंगे तो इसका भी आप देखेंगे कि ये पॉइंट ठीक है, हरे वाला भी ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको पता चल जाता है कौन सी तार किसकी है। मेन लीड जो है इसमें हमें शक लग रहा था कि कहीं यही खराब होगी जो करंट नहीं जा रहा अंदर, तो ये ठीक है पूरी तरह से। अब हमें मुप्रेस के अंदर जाना है, तो प्रेस के अंदर जाने के लिए आप यहाँ से कनेक्शन इसका जो है ये खोल लीजिए, इस तरह से इसको खोल लो यहाँ से, ठीक है, खुल गया। और उसके बाद में आपको इस तरह से चेक करना है इसके ऊपर, नहीं बोल रहा कुछ भी, इतना होने के बावजूद आपको एक बार इसको भी घुमा लेना है, एक दो बार ऐसे घुमा लेना है, हल्का फुल्का ऐसे भी करके देख सकते हो, और फिर से आप ऐसे कनेक्ट करके देखिए, कोई हमारा सीरीज लैंप बोलता नहीं है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद में जब आपको पता चल गया कि इसका तार वार सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको प्रेस को खोलने की जरूरत पड़ेगी। खोल करके आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर अब थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, एक जो ऑटो कट होता है इसके अंदर वो खराब हो सकता है। वो क्या क्या खराब है, क्या तार जला हुआ है, या वो कार्बन पकड़ लिया है, या बदलना पड़ेगा, या रिपेयर करके हो जाएगा, ये खोलने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए सबसे पहले आपको इसको खोलना पड़ेगा, ये चीज यहाँ से पेचकस लगा के हल्का सा ऐसे उठा के खुल जाता है। इसके पीछे में लॉक लगा होता है, देखो हल्का सा ये लॉक लगा होता है, देखो हल्का सा लॉक होता है जो कि इसके अंदर जाके फंस जाता है, सिंपल तरीके से खुल जाता है। ये सारा सामान इसका खोल करके ऐसे रख लेना है साइड में। सबसे पहले आपको ये हैंडल निकालना पड़ेगा ऊपर वाला, समझे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक पेंच होता है जो कि इसको पकड़ के रखा है कवर को, समझे। तो पहले इसको खोलेंगे, ये सब तरफ से लॉक लगा हुआ होता है, देखो ये भी लॉक होता है, इधर भी लॉक होता है, स्प्रिंग वगैरह जो निकलती है थोड़ा सा ध्यान दे देना, अपना जो वीडियो बन रही है उसमें ध्यान देने वाली बात है, ऐसे रहना चाहिए। जितना भी पेंच वो निकलता है सब एक साइड में रख लो, कहीं खोल ना जाए। हमें ये कवर खोलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे पेंच लगा हुआ है ना, इसको हमें ऐसे खोल लेना है, चलने वाला ऐसे ही है। जब पेंच खुल गया तो इधर का ये जो पेंच है इसको खोलने की आपको जरूरत ही नहीं है, सिंपल तरीके से यहाँ पे लॉक लगा हुआ होता है इसके अंदर, ये जो है ना लॉक के साथ फंसा होता है, जब यहाँ पे ऐसे आप इसे उठाएंगे और ये फिर आगे से ऐसे अपने आप निकल जाएगी। खैर अभी तो हमें इसको ठीक करना है, चेक करना है इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो कोई कपड़ा या ब्रश वगैरह है जो कि इसके अंदर गंदा बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अब हमें देखना है कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा था, क्या खराब है इसके अंदर। तो देखो ये एलिमेंट है, ये देखो ये पाइप जो है ना, पाइप जो है ये अंदर अंदर से आया हुआ, तो ये एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट का एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों जगहों पे सीरीज का लैंप लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट हमारा खराब है कि सही है। अगर एलिमेंट खराब होता है तो हमारा ये इंडिकेटर जल जाएगा, अगर इंडिकेटर सही होगा तो, लेकिन इंडिकेटर का तार देखो टूटा हुआ है, ये नहीं जलेगा। सबसे पहले हमें इन पॉइंटों पे लगाना है, एलिमेंट चेक करना है कि एलिमेंट सही है कि नहीं। तो देखो एलिमेंट ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे फुल जल रहा है, यहाँ पे कम जल रहा है, ये फर्क है ना लाइट में। तो इस हम अगर एलिमेंट थर्मोस्टेट चेक करना है हमें, तो एक तार हम यहाँ लगा लें और एक तार हम इस लाल वाले पे लगा लें, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि एलिमेंट हमारा ठीक है कि नहीं। तो एलिमेंट ठीक है और साथ में हमारा थर्मोस्टेट भी सही है। थर्मोस्टेट हमें चेक करना है तो हमें इन दोनों तारों पे एक इस पे और एक इस पे लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा हमारा थर्मोस्टेट सही है, क्योंकि थर्मोस्टेट ये घूम करके करंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ से निकल के इधर आ रहा है। तो कमी है इस तार के अंदर, देखो यहाँ पे भी एक फ्यूज लगाया जाता है, रेजिस्टेंस लगाया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, स्लीव लगी हुई है ना, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है एक्स्ट्रा, कि अगर ये मान लो ये सब कंपोनेंट अगर खराब हो जाए हमारे, तो ये खराब होने की बजाय यही खराब हो गया। तो इसको चेक करना है कैसे, जैसे हमने एलिमेंट चेक किया सही है कि नहीं, वैसे इसको चेक करना है। इसको एक पॉइंट इस पे लगाना है सीरीज का और एक इस पे लगाना है, तो देख लो ये यहीं से ये काम नहीं कर रहा है। अब इसको सही करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो सामान इसके अंदर लगा हुआ है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्या है आखिर। ये पत्ती खुल गई हमारी और यहाँ से ये सीधा कर लो,
ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है इसमें, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है, या फ्यूज भी कह सकते हैं, या थर्मोस्टेट कह सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी कह सकते हैं, ये लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये जला हुआ है। अब आपको इनके प्रेस को ठीक करना है, तो उसके लिए कुछ भी ज़्यादा कुछ ना करके तो सिंपल तरीके से यहाँ से तार छिलो, ये ठीक है, तार छिल लो और सीधे जैसे कि एक तार इसमें और एक तार इसमें लगा दोगे तो आपका ये प्रेस जो है कि ये चालू हो जाएगा। अब हमने ये रेजिस्टेंस हटा दिया, अब इसके ऊपर लगाएंगे और इस पर लगाएंगे तो हमारा प्रेस जो है कि ऑन हो जाएगा। प्रेस ऑन हो रहा है कि नहीं, इसमें करंट वगैरह तो नहीं आ रहा, पहले इसमें हाथ लगा करके हमें चेक करना है। तो इसको पहले हमें चेक करना है कि करंट तो नहीं है, तो करंट को ऐसे पहले चेक कर लेना है, पहले बॉडी पे शॉर्ट करना है, उसके बाद इन दोनों तारों पे बारी बारी से लगा करके शॉर्ट करके देखना है कि करंट तो नहीं आ रहा। तो अब हम इसको प्रेस को पूरी तरह से थर्मोस्टेट वगैरह सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इस पे ऊपर तार लगाना है और इस पे लगाना है, तो प्रेस हमारा चालू हो जाएगा, बल्ब जलने लग जाएगा और यहाँ से आपको इसको घुमाना है इस तरह से, ठीक है। देखो बंद हो गया और इसको ऑन करेंगे तो चालू हो जाएगा। तो ये यानी कि ये थर्मोस्टेट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि प्रेस के अंदर केवल ये रेजिस्टेंस खराब था जो कि जल गया है ओवर हीट होकर के, और अब हमारे पास ये है नहीं। तो प्रेस जो होती है ज्यादातर उसके अंदर ये सब नहीं होते हैं, ये एक्स्ट्रा कंपनियां लगा करके देती हैं और इसी के वो बहुत ज्यादा पैसे लगाती हैं। इसे छोटे से पार्ट्स को लगा करके कहेंगे हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा सेफ्टी पार्ट्स लगा रखे हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा नहीं बस 200 रुपए पे करना होगा, और ये है 3 रुपए का। अभी हम इसको कर देते हैं, करना है यही है बस खाली इसमें कि इन दोनों पॉइंटों पे हमें कनेक्शन दे देना है, बाकी सब कुछ ठीक है। और ठीक नहीं है बल्कि इसका जो ये इंडिकेटर है ये भी खराब है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। इसके इंडिकेटर चेक करने के लिए, चेंज करने के लिए सीधे से यहाँ पे जो है कि ऐसे तार काट दो और नया इंडिकेटर हमारे पास रखा हुआ है उसको ला करके इसमें जोड़ दो। जैसे कि इसका इंडिकेटर खराब हो गया था तो हमने ये इंडिकेटर ले लिया, मामूली इसकी कीमत होती है 10 रुपए की इसकी, आप इसके अंदर लगा लो और इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ये प्रेस है इसमें मतलब लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, सब इससे दिक्कत मतलब इससे पता चल जाता है। इसको बस सिंपल तरीके से जैसे कि ऐसे चढ़ा लो, इस तरह से हमारा ये लग गया। अब ये कहीं सौ मतलब करंट वगैरह भी किसी को नहीं लगेगा, और ये दोनों तारे हमें बाहर निकाल करके आराम से इसमें हम जोड़ देंगे। चलो इसको हम फिटिंग कर लेते हैं जैसे हमने निकाला था वैसे ही, ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी नहीं निकलना चाहिए और आगे से भी लूज नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छे से टाइट कर देना है आपको, क्योंकि एक ही पेज के ऊपर आपका पूरा प्रेस टिका हुआ रहेगा। तो अब इधर की जो फिटिंग है ये भी हम कर लेंगे, और यहाँ के जो अपना रेगुलेटर वगैरह लगा हुआ था उसको भी हम लगा लेंगे। इसमें इसमें लगी थी ये स्प्रिंग, ठीक है, और उसके ऊपर रखना है ये, और उसके बाद में ये देखो ये रबड़ निकला हुआ था, इसको भी यहाँ लगाना होता है ताकि ये पानी वगैरह लीकेज ना हो इधर, ठीक है। और उसके बाद ये जो है इसके ऊपर भी रख सकते हो रखना है तो, और ऐसे रख के ये लॉक हमें इसके अंदर फंसा देना है, यहाँ पे फंस जाएगा इसको हम, ठीक है, इस तरह से फंस गया। और उसके बाद में ये जो है इसके पहले ये लगाया जाएगा, ये इसके अंदर फंसता है ऐसे, देखो दो चीज़ होता है, इसके बाद इसके अंदर फंसेगा, उसके लिए आपको पहले ये लगाना पड़ेगा इसके अंदर, इसके अंदर लगाना पड़ेगा ये, ऐसे जो इस घाट है ना घाट उसके अंदर फंसना चाहिए, देखो अंदर एक नोब लगी हुई है अंदर में, वहाँ पर उसमें फंसना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगेगा। इस तरह से हमारा ये प्रेस फिट हो गया। अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, कनेक्शन मैंने आपको बताया था कैसे होगा, फिर से आप समझ लो। देखो ये ग्रीन वाला तार आपको ग्रीन वाले में जोड़ देना है, ठीक है, और रेड वाला तार को रेड में जोड़ देना है, और उसके बाद ये जो ब्लैक वाली तार थी उसको आपको ब्लैक वाले में जोड़ देना है, पहले नीली थी अब ये भी ब्लैक हो गई है सारी की सारी, इसको इसमें हमें ऐसे जोड़ देना है।
तो इसका थिम्बल जो है कि दोबारा देखते हैं, लग सकता है तो लगा देंगे, नहीं तो इसमें टेप लगा देंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा ये जो लाल और ये ब्लैक वाला है ये तो हमारा लग गया। अब ग्रीन वाले के ऊपर थिम्बल नहीं तो टेप लगा देंगे, बाकी ये भी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, इसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर टेप लगा देंगे, देखो कनेक्शन समझ लो। इसको इंडिकेटर हमने वैसे के वैसे निकाल लिया था, ठीक है, और जो कलर से कलर हमने तार मिला दिया था, ग्रीन वाले को ग्रीन में जोड़ देना, इसमें जोड़ देना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है ना। और उसके बाद में ये इंडिकेटर है, ये लाल वाले के अंदर दिखाई देनी चाहिए, तो इसके अंदर भी ऐसे घुसा सकते हो, यहाँ पे ऐसे घुसा दो, नज़र आता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसके अंदर घुसा देना। और उसके बाद में इसको यहाँ पे ऐसे ही इन तारों को सबको यहाँ पे दबा दीजिए, टेंशन की कोई बात नहीं। और उसके बाद ये थोड़ा सा आपको राउंड घुमा करके या वैसे भी इसको ऐसे लगा लो, ये सब जगह लॉक से होता है। जो बड़ी कंपनियां होती है जैसे कैनस्टार है, बजाज है, ये सब लोग ज़्यादातर लॉक वाला सिस्टम लगाते हैं, पेज कम लगाएंगे लॉक ज़्यादा लगा देंगे, ठीक है, इसलिए इनको खोलना और बांधने के समय बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। और इतना करने के बाद में हमारा ये प्रेस हो गया फाइनल, ठीक है। अब इस फाइनल चेक करना है जब, तो अड्डे के ऊपर कभी इस तरह से प्रेस नहीं रखना, इसको ऐसे ही करके रखना, ठीक है। प्रेस के अंदर करंट आ गया, और पहले आपको जब प्रेस चेक करते हैं तो इसको फर्स्ट पॉइंट पे ही आपको चेक करना है इसको, ठीक है, इस तरह से आपको फर्स्ट पॉइंट पे ही चेक करना है, ठीक है। अभी ये कट मार गया, ठीक है, अपने आप कट मारा है ना, इसका मतलब है ये गर्म हो गया, हाथ लगा के देखो गर्म हुआ कि नहीं, गर्म हो रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो थोड़ा सा बढ़ाने के बाद ये लाइट जल जाएगी और ये और थोड़ा सा गर्म होगा, देखो गर्म हुआ तो गर्म होके अपने आप ही कट मार गया। जब इतना सब कुछ ऑटोमेटिक, ये अगर ये लाइट बंद हो रही है तो इसका मतलब है इसका ऑटो कट सिस्टम जो है वो सही से काम कर रहा है, जैसे प्रेस हमारा नए पे काम करता है वैसे ही अब ये काम कर रहा है।